दोस्तों कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू में। बात करेंगे सुपरस्टार श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री 2 के बॉक्स कलेक्शन के बारे में, जिसको आज सिनेमा में रिलीज हुए 19 दिन कम्प्लीट हो चुके और डे 20 स्टार्ट हो चुका। बात करेंगे स्त्री 2 ने डे 17 को, सैटरडे को, डे 18 को, संडे को कितना बड़ा जंप लिया, डे 19 को यानी तीसरे मंडे को कितनी कमाई करने में सफल हो पाई है। वहीं पर दोस्तों ये फिल्म डे 20 को इंडियन बॉक्स पर एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई, इस फिल्म का डे 20 का कितना कलेक्शन होगा, 20 दिनों के अंदर स्त्री 2 ने हिंदी बजट में कितनी कमाई की, ओवरसीज मार्केट में कितना कलेक्शन किया, दुनिया भर के बॉक्स पे कितनी कमाई की है। फिलहाल दोस्तों स्त्री 2 अब तक किन किन मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो पाई है, फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, इस फिल्म को बॉक्स पे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो के साथ बनिए रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बिंदी, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट दिखा सकता है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 18 दिनों के अंदर हिंदी बजट में 500 करोड़ का नंबर क्रॉस किया था। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने भी 18 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ का नंबर क्रॉस किया, जबकि सनी देओल की गदर 2 ने 24 दिन लगाए थे हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ का नंबर क्रॉस करने के लिए। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 28 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ का नंबर क्रॉस किया, जबकि बॉबी 2 ने 34 दिनों के अंदर 500 करोड़ का नंबर क्रॉस किया था हिंदी वर्जन में। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी ने 39 दिन लगाए थे हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ की कमाई करने के लिए। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 18 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 505 करोड़ 94 लाख रुपये की कमाई की। श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने 18 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 502 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई करके शाहरुख खान की फिल्म जवान को टक्कर दी। केवल हमको 3 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जवान और स्त्री 2 के 18 दिन के बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गदर 2 ने 24 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 501 करोड़ 17 लाख रुपये की कमाई की थी। पठान ने 28 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में पूरे 500 करोड़ 5 लाख रुपये की कमाई की, जबकि बॉबी 2 ने 34 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 500 करोड़ का नंबर क्रॉस किया था। इतिहास के में इस फिल्म बॉक्स पे शानदार कमाई करके सबको परेशान कर दिया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने लाइफ टाइम इंडिया की सारी भाषाओं में 643 करोड़ की कमाई की थी। एनिमल मूवी ने 2023 में इंडिया की सारी भाषाओं में 556 करोड़ की कमाई की थी। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इंडिया की सारी भाषाओं में लाइफ टाइम में 543 करोड़ की कमाई की, जबकि गदर 2 ने लाइफ टाइम इंडिया की सारी भाषाओं में 525 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। लेकिन दोस्तों स्त्री 2 ने केवल 18 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 502 करोड़ की कमाई कर ली है। बहुत ही जल्द दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल की गदर 2 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मैं भी दोस्तों स्त्री 2 केवल 20 से 21 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में या 22 से या 23 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 530 करोड़ से ऊपर कमाई करके गदर 2 का 525 करोड़ का हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड तोड़ देगी। पठान का हिंदी बेल्ट में 524 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स पर कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। फिलहाल दोस्तों स्त्री 2 ने हिंदी बेल्ट में सुपरस्टार प्रभास की बॉबी 2 का 511 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनिमल मूवी का 505 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ के KGF 2 का 435 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। केवल शाहरुख खान की फिल्म पठान और गदर 2 और जवान का हिंदी बेल्ट में कमाई करने का रिकॉर्ड टूटना भी बाकी है। बॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में ग्रंटेड जो है 550 करोड़ से लेकर 600 करोड़ की कमाई करेगी। दोस्तों स्त्री 2 लाइफ टाइम इंडिया में 580 करोड़ की अगर कमाई करती है तो एनिमल, पठान, गदर 2 का इंडिया की सारी भाषा में कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है, तोड़ सकती है। मैं भी चाहिए फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड ना तोड़ेगी, लेकिन दोस्तों ये हिंदी बेल्ट में सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। फिल्म के अंदर इतनी पावर है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान का लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 583 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। बात करेंगे स्त्री 2 के पहले दिन से लेकर 20 दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। स्त्री 2 का बजट है 80 करोड़ का दोस्तों, जो सिनेमा हॉल से बाहर बारी। जब सिनेमा हॉल में ये फिल्म 2 मंथ चल जाएगी, 2 मंथ के बाद इस फिल्म का जो OTT राइट्स है वो कम से कम 120-115 करोड़ के आराम से बिक जाएंगे। सिनेमा हॉल से ये बाहर बाहर ही अपना 80 करोड़ का बजट निकाल के 20-25 करोड़ का अपनी OTT राइट्स बेच के वहाँ से प्रॉफिट ले लेगी। अब दोस्तों ये सिनेमा हॉल में टोटली प्रॉफिट में रुपया छाप रही है। फिल्म को 14 अगस्त को प्रीमियर शोज में 9 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई हुई थी और 15 अगस्त को 55 करोड़ 40 लाख रुपये की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 75 करोड़ की कमाई की थी। स्त्री 2 का पहला वीकेंड 4 दिन का था। पहले 4 दिनों के अंदर इंडिया में 204 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 283 करोड़ की कमाई की। आज स्त्री 2 को दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज हुए तीसरा वीक चल रहा है। तीसरे वीक के 4 दिन कम्प्लीट हो चुके, 5वां दिन स्टार्ट है। अपने पहले 8 दिनों के अंदर स्त्री 2 ने हिंदी बेल्ट में 307 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 364 करोड़ की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 63 करोड़ का धंधा किया। पहले 8 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 429 करोड़ की कमाई करके स्त्री 2 ने केवल 8 दिनों के अंदर ही ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लिया था। दूसरे वीक के अंदर स्त्री 2 ने हिंदी बेल्ट में 153 करोड़ की कमाई की, यानी D.Ed से लेकर D.15 तक। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 186 करोड़ की कमाई करके ओवर्स मार्केट में 47 करोड़ का धंधा किया। दूसरे वीक के अंदर स्त्री 2 ने दुनिया भर के बॉक्स पे 233 करोड़ की शानदार कमाई की। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरा वीकेंड भी हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिला। नंबर सेकंड हाईएस्ट तीसरा वीकेंड हमको देखने को मिला है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तीसरे वीकेंड के अंदर ऊपर कमाई की, लेकिन स्त्री 2 ने तीसरे वीकेंड के अंदर हाइएस्ट कमाई करके नंबर सेकंड का रिकॉर्ड कायम किया है। डे 16 को हिंदी बेल्ट में फ्राइडे वाले दिन 8 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 13 करोड़ का कलेक्शन किया। डे 17 को यानी तीसरे सैटरडे को 17 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 26 करोड़ की कमाई की। डे 18 को स्त्री 2 ने हिंदी बेल्ट में तीसरे संडे को 22 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 26 करोड़ की ओवर्स मार्केट में 6 करोड़ का धंधा करके डे 18 को स्त्री 2 ने दुनिया भर के बॉक्स पे 32 करोड़ की कमाई की। लेकिन दोस्तों डे 19 को स्त्री 2 ने हिंदी बेल्ट में केवल 7 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की है। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 10 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया। डे 19 को स्त्री 2 ने ओवर्स मार्केट में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई करके श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री 2 ने डे 19 को फाइनल दुनिया भर के बॉक्स पे 14 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई कर ली है। वेल दोस्तों ये थी स्त्री 2 की पहले दिन से लेके 19 दिन की फाइनल इंडियन और वर्ल्ड बॉक्स कलेक्शन जो के बॉक्स हाउस से अप्रूव शुदा लिस्ट है। अब बात कर लेते हैं डे 20 के बारे में। डे 19 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 90 लाख रुपए की, जबकि डे 20 की पूरे भारत में एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 75 लाख रुपए की हुई है। बॉक्स हाउस की रिपोर्ट के अनुसार डे 20 को स्त्री 2 हिंदी बेल्ट में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करेगी। इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 9 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करके डे 20 को ये फिल्म ओवर्स मार्केट में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का धंधा करेगी। स्त्री 2 डे 20 को दुनिया भर के बॉक्स पे 13 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करेगी। दोस्तों ये स्त्री 2 के डे 20 की बॉक्स कलेक्शन प्रोडक्शन रिपोर्ट है। बॉक्स हाउस की रिपोर्ट के अनुसार जितनी इस फिल्म के डे 20 की एडवांस बुकिंग है, डे 20 को स्त्री 2 इतनी ही कमाई करेगी। जब रात 12 बजे रिपोर्ट आएगी 40-50 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों मे भी आपको रात 12 बजे जब डे 20 की फाइनल रिपोर्ट आएगी यही कलेक्शन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। एडवांस बुकिंग से पता चल जाता है कौन सी फिल्म कितने दिन कितना धंधा करेगी। अब बात कर लेते हैं फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में। स्त्री 2 ने 20 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 518 करोड़ की कमाई की है। 20 दिनों के अंदर इंडिया ग्रोस सिलेक्शन में 614 करोड़ की कमाई की है। 20 दिनों के अंदर ओवर्स मार्केट में 129 करोड़ की कमाई करके श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री 2 ने 20 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 743 करोड़ की कमाई करके अपना 80 करोड़ का बजट निकालने के बाद 663 करोड़ की प्रॉफिट में रुपया छाप के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लिया है। दोस्तों फिलहाल अगर बात करें 743 करोड़ के कलेक्शन के अंदर प्रोड्यूसर फिल्म्स के मेकर को सूखा फूका जो है 350 करोड़ का रुपया जा चुका सिनेमा हॉल के मालिकान का प्रॉफिट निकालने के बाद, टैक्सेस को निकालने के बाद। मे भी दोस्तों लाइफ टाइम ये फिल्म के मेकर्स को 450 को से लेकर 500 करोड़ का प्रॉफिट में रुपया देगी, क्योंकि फिल्म जो है लाइफ टाइम दुनिया भर के बॉक्स पे 900 आंकड़े को टच करने की पावर रखती है। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपके लिए कुछ खास। तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।